नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग की प्रातःकालीन मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे इस विंटर सीजन का जो सबसे एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और एकमात्र एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसने कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और मैदानी भागों पर 31 तारीख को अधिकतम वर्षा दी और साथ ही साथ हिल स्टॉर्म एक्टिविटी भी जनरेट की और कल भी इसने उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, साथ ही साथ चंडीगढ़ और उसके आसपास के जितने इलाके थे वहाँ पर इसने हेल स्टॉर्म जनरेट किया, ओलावृष्टि की और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और उत्तराखंड के और साथ ही साथ जम्मू पर इसने लगभग 3 सेंटीमीटर तक की वर्षा और ऊंचे पर्वतीय इलाकों पर इसने मध्यम स्तर की इसने बर्फबारी भी उत्पन्न की है। तो अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी शांत हो चुका है और अब ये लगभग अपना इसका प्रभाव लगभग नगण्य हो चुका है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर, लेकिन अभी हमें कुछ छिटपुट ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी हल्की से बहुत हल्की बर्फबारी की उम्मीद आज भी रहेगी। और जैसा कि हम लगातार अपनी प्रेस रिलीज में ये दिखाते रहे हैं कि 3 तारीख से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर से प्रभावित करने जा रहा है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी हिस्सों को, तो इस ये भी 3 तारीख को आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड रेनफॉल और साथ में स्नोफॉल जनरेट करेगा ऊंचे पर्वतीय इलाकों में और साथ ही साथ ये 4 तारीख को अधिकतम इसके द्वारा वेदर एक्टिविटी की संभावना है, 4 तारीख को अधिकतम वेदर एक्टिविटी की संभावना करेगा और इसके बारे में हम विस्तार में अपनी दैनिक मौसम परिचर्चा में दोपहर में चर्चा करेंगे। और अभी यदि हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोहरा हमें पंजाब और हरियाणा के हिस्सों पर दिखाई दिया है और साथ ही साथ पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश के, और पालम एयरपोर्ट की अगर बात करें तो लगातार 0 मीटर विजिबिलिटी हमें 6 बजे प्रातःकाल से देखने में आ रही है, जो कि अभी जाकर के 9 बजे से थोड़ा थोड़ा उसमें हमें सुधार देखने को मिला है और साथ ही साथ कई और हिस्सों पर लगभग 50 मीटर से 200 मीटर तक की विजिबिलिटी हमें देखने में आई है। अब यदि हम आगे देखते हैं तो अभी हमें आज हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर्स जो हमें आज के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मिनिमम टेम्परेचर्स में जैसा कि हमने कल भी देखा कि काफ़ी अच्छी वृद्धि मिनिमम टेम्परेचर्स में देखने को मिली ड्यू टू द रेनफॉल एक्टिविटी और साथ ही साथ मैक्सिमम टेम्परेचर्स में भी हमें सुधार देखने को मिला है और अब हमें आज ये लगभग कमोबेश इसी तरह की स्थिति देखते हुए और कल से फिर हमें एक रेनफॉल का स्पेल एक WD हमें कल सायंकाल से फिर से प्रभावित करने की उम्मीद रहेगी। तो अभी हम जैसा कि देख सकते हैं आज के लिए हमें छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा और हिमपात अर्थात बर्फबारी की उम्मीद पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान पर भी छिटपुट स्थानों पर हल्की बहुत हल्की वर्षा की अर्थात बूंदाबांदी की उम्मीद आज रहेगी और साथ ही साथ गैंगटिक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल पर भी छिटपुट स्थानों पर हल्की से बहुत हल्की वर्षा की उम्मीद रहेगी और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर और साथ ही साथ आसाम, मेघालय और खास करके उत्तरी आसाम और अरुणाचल प्रदेश पर हमें अच्छी खासी वर्षा की उम्मीद रहेगी और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों पर हमें बर्फबारी की उम्मीद अगले 24 घंटे में रहेगी। और कल यदि प्रातःकाल की बात करें तो यहाँ हम जैसा कि देख सकते हैं कि घने कोहरे की स्थिति प्रायः इसी तरह की रहेगी, हालांकि बहुत घने कोहरे की अर्थात 0 विजिबिलिटी की आशंका कम है, लेकिन लगभग 200 मीटर से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी हमें आज देर रात्रि से और कल प्रातःकाल में हमें देखने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, दोपहर में हम फिर मिलेंगे दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।